हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडमिशन एकेडमी। मेरा नाम आशीष है और आज हम आपके लिए क्लास ट्वेल्थ का फिजिक्स का लेक्चर लेकर के आपके सामने आए हैं। क्लास ट्वेल्थ का सिलेबस सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, इसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं, कौन कौन से यूनिट्स हैं जो हमें यहाँ पर स्टडी करनी है। बेसिकली क्या होता है कि हम क्लास टेंथ की जो फिजिक्स पढ़ करके आते हैं वही थोड़ा सा वेल एक्सप्लेन्ड मोड में हमारे पास क्लास ट्वेल्थ में आती है। कुछ नए यूनिट्स इसमें इंक्लूड हो जाते हैं लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो आपको पहले से पता होते हैं। आइए देखते हैं एक बार हमारे पास कौन कौन से यूनिट्स हैं। तो आप व्हाइट बोर्ड पर देख सकते हैं कि हमारे पास सबसे पहली यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक, नंबर टू करंट इलेक्ट्रिसिटी, नंबर थ्री मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, नंबर फोर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, नंबर फाइव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, नंबर सिक्स ऑप्टिक्स, नंबर सेवन डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, नंबर एट एटम्स एंड न्यूक्लियाई, नंबर नाइन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। पहले सीबीएसई के सिलेबस में एक एक्स्ट्रा यूनिट हुआ करती थी जिसका नाम था कम्युनिकेशन सिस्टम, लेकिन फिलहाल पिछले एक साल के सिलेबस में और अभी आगे अगले जो सिलेबस में इस लास्ट यूनिट को रिमूव कर दिया गया है। तो अभी हम सबसे पहले आज के लेक्चर में अपनी सबसे पहली यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इस यूनिट में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, कौन कौन सी डेरिवेशन है, थ्योरम्स कौन कौन सी हैं, ये सब हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम पहला अपना यूनिट, इसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। देखिए नाम से ही क्लियर है कि इलेक्ट्रो मीन्स हम यहाँ पर कहीं ना कहीं किसी चार्ज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कौन कौन से टाइप के चार्ज होते हैं, चार्ज किसे कहते हैं, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, और चार्ज जब किसी जगह पर किसी प्लेन पर रखा होता है तो उसका नेचर क्या क्या होता है, किस तरीके से वो अपने सराउंडिंग को अफेक्ट करता है, ये बहुत से ऐसे टॉपिक हैं जो आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। तो आज का हमारा जो पहला यूनिट है उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो सबसे पहले हमेशा की तरह हम इसके नाम को डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं इसके नाम को थोड़ा सा ब्रेक करके लिखूं तो आपको यहां पर दो अलग अलग वर्ड्स दिखाई देंगे, नंबर वन इज इलेक्ट्रो, नंबर टू इज स्टैटिक। यहां पर इलेक्ट्रो को हम रिलेट कर लेते हैं चार्ज के साथ और स्टैटिक का मतलब आप समझ सकते हैं एट रेस्ट। तो अगर मैं इसको इलेबोरेट करूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट को इलेबोरेट करूं, तो बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट इज द स्टडी ऑफ चार्ज व्हेन इट इज एट रेस्ट। तो इस पूरे यूनिट में हमें यही डिस्कस करना है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी पर्टिकुलर प्लेस पर रेस्ट पर रखा होता है तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज शो करता है, उसके अंदर नेचर कैसे कैसे होते हैं, उसका एडिटिव नेचर क्या है, क्वांटाइजेशन क्या होता है। इसके अलावा हम यहाँ पर इन दोनों चार्ज पार्टिकल्स के आपस में लगने वाले फोर्स को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस टॉपिक इस वर्ड को क्लियर कर लेते हैं कि चार्ज क्या होता है। देखिए चार्ज क्या है, इसकी एक डेफिनेशन है, वो आपको मैं लिख के दिखाता हूं चार्ज की डेफिनेशन क्या है। तो चार्ज की डेफिनेशन आपको लिख के दिखाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे पास चार्ज की डेफिनेशन है। तो चार्ज की क्या डेफिनेशन है, चार्ज इज दैट सर्टेन समथिंग पॉसेस्ड बाय मटेरियल बॉडी। ये इस डेफिनेशन का कीवर्ड है, उसका रीजन ये है, मैं आपको समझाता हूं कि ये कीवर्ड क्यों है। क्योंकि चार्ज वही बॉडीज पॉसेस कर सकते हैं जिनके अंदर मास है, और जिनके अंदर मास होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, मटेरियल बॉडी कह सकते हैं, ठीक है। तो चार्ज क्या है, चार्ज इज दैट सर्टेन समथिंग पॉसेस्ड बाय मटेरियल बॉडी दैट मेक्स इट पॉसिबल फॉर देम टू एक्सर्ट इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्सेस क्या होते हैं, इसके बारे में आगे हम अभी डेफिनेशन आपको बताएंगे। दरअसल क्या होता है कि जब दो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे के नजदीक रखे जाते हैं तो या तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या रिपल करते हैं। अब वो कब अट्रैक्शन करते हैं, कब रिपल्सिव फोर्स दिखाते हैं, वो हम आगे देखेंगे, लेकिन इन्हें ही इलेक्ट्रिक फोर्स कहा गया है। तो जब हम किसी चार्ज पार्टिकल के अंदर चार्ज रखते हैं, किसी मटेरियल बॉडी के अंदर चार्ज लाते हैं, तो वो दो काम करता है, या तो वो इलेक्ट्रिक फोर्स को एग्जर्ट करेगा या क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा। किसके अगेंस्ट, इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करेगा। तो एक बार इस डेफिनेशन को फिर से देखते हैं, चार्ज क्या है, चार्ज इज दैट सर्टेन समथिंग पॉसेस्ड बाई मटीरियल बॉडी दैट मेक्स इट पॉसिबल फॉर देम टू एग्जर्ट इलेक्ट्रिक फोर्स एंड टू रिस्पॉन्ड इलेक्ट्रिक फोर्स। देखिए दो काम कर सकती है एक बॉडी, या तो वो इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट करेगी और अपने आसपास की बॉडीज को अफेक्ट करेगी, या हो सकता है कि वो किसी दूसरी बॉडी से अफेक्टेड होगी। तो जब दूसरी बॉडी से अफेक्टेड होगी तो वो रिस्पॉन्ड करेगी, ठीक है। रिस्पॉन्स क्या होता है, कैसा रिस्पॉन्स करेगी, दो रिस्पॉन्स कर सकती है। यहां पर रिस्पॉन्स दो तरीके से हो सकता है, अट्रैक्शन का भी हो सकता है और रिपल्सन का भी हो सकता है,
ठीक है, तो इसे रिस्पॉन्ड करना कहते हैं। तो बॉडी जब किसी चार्ज पार्टिकल के नजदीक रखी जाएगी, एक चार्ज बॉडी जब किसी चार्ज पार्टिकल के नजदीक रखी जाएगी तो वो रिस्पॉन्ड करेगी। अब रिस्पॉन्ड दो तरीके से हो सकता है, अट्रैक्शन और रिपल्सन। तो कब ये अट्रैक्शन करता है, कब ये रिपल्सन करता है, आइए आगे देखते हैं। उसके पहले हम जरा चार्ज के टाइप्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये चार्ज की डेफिनेशन हमने आपसे डिस्कस की कि चार्ज इज दैट सर्टेन समथिंग पॉसेस्ड बाय मटेरियल बॉडी व्हिच मेक्स देम टू एक्सर्ट इलेक्ट्रिक फोर्स और टू रिस्पॉन्ड इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। तो चार्ज के टाइप्स के कौन कौन से, अभी देख लेते हैं। चार्ज टाइप्स, बेसिकली हमारे पास दो टाइप के चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। नंबर वन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, और नंबर टू निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स। ये दो तरीके के हमारे पास चार्ज पार्टिकल्स नेचर में अवेलेबल है, तीसरा कोई चार्ज इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करता। शॉर्ट फॉर्म में इसे क्या लिख देते हैं, प्लस वीई, और इसे माइनस वीई हम लिखा करेंगे आगे। तो आप ध्यान रखेंगे जब भी मैं कहीं ये लिखूं तो इसका मतलब है कि मैं पॉजिटिव चार्ज के बारे में डिस्कस कर रहा हूं, और अगर मैं ये लिखूं तो मैं निगेटिव चार्ज के बारे में डिस्कस कर रहा हूं। तो बेसिकली क्या होता है कि किसी बॉडी के अंदर तीन कंडीशंस हो सकती हैं, तीन कंडीशंस। नंबर वन, या तो वो पॉजिटिव चार्ज होगी। नंबर टू, या तो वो नेगेटिव चार्ज होगी। और तीसरी कंडीशन जो मैं आपको बता रहा हूं, या तो वो बॉडी न्यूट्रल होगी। कैसी न्यूट्रल? न्यूट्रल कैसी? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है। तो बॉडी के अंदर तीन कंडीशंस हो सकती हैं, किसी मास बॉडी के अंदर, मटेरियल बॉडी के अंदर तीन कंडीशन सामने आ सकती है। नंबर वन, वो पॉजिटिव चार्ज हो सकती है। नंबर टू, वो नेगेटिव चार्ज हो सकती है। नंबर थ्री, वो न्यूट्रल हो सकती है। अगर कोई पार्ट, कोई बॉडी न्यूट्रल है तो हम कहते हैं कि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, यानी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बॉडी के ऊपर क्या होता है, कोई चार्ज नहीं होता। क्या ये कहना सही है? क्या ये कहना सही है कि जो बॉडीज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती हैं उन पे कोई चार्ज नहीं होता? अगर हम ध्यान से देखें तो ऐसा कहना गलत है, क्योंकि कोई बॉडी अगर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इट मींस कि उस पर दोनों चार्जेस इक्वल क्वांटिटी में हैं और उन दोनों चार्जेस ने एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो जब कोई बॉडी अगर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो ना तो वो इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जर्ट करेगी और ना ही इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए रिस्पॉन्ड करेगी। लेकिन अगर आपके पास दो बॉडीज हैं, दोनों चार्ज है, अब वो दोनों सिमिलर चार्ज भी हो सकता है और दोनों डिफरेंट चार्ज भी हो सकते हैं, ऐसी सिचुएशन में वो रिस्पॉन्ड जरूर करेंगे, ठीक है। तो वो कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, आइए देखते हैं। जब हम दो चार्ज पार्टिकल्स एक दूसरे के नजदीक रखते हैं तो क्या होता है, वो एक दूसरे को फोर्स अप्लाई करते हैं। कौन सा फोर्स अप्लाई करते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो मैं यहां लिख रहा हूं, व्हेन टू चार्ज पार्टिकल्स आर प्लेस्ड नियर ईच अदर, दे बोथ अप्लाई इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन ईच अदर, ठीक है। क्या करते हैं, जब कोई चार्ज पार्टिकल, दो चार्ज पार्टिकल जब एक दूसरे के नजदीक रखे जाते हैं तो दोनों क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। अब ये इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा होता है, किस तरीके से ये एक बॉडी से दूसरी बॉडी को अफेक्ट करता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो पहले हम इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में जान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है। दरअसल जब दो चार्ज पार्टिकल्स को एक दूसरे के नजदीक रखा जाता है तो ऐसा करने के दो रूल है, ठीक है। पहला रूल, क्या रूल है दोनों का? पहला रूल है कि सिमिलर चार्ज पार्टिकल्स आर केप्ट नियर, ठीक है। तो दो, या तो हम सिमिलरली चार्ज पार्टिकल्स को एक दूसरे के नजदीक रखते हैं, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव रखा था हमने, या फिर दो नेगेटिव नेगेटिव रख दिया हम लोगों ने। तो जब दो सिमिलर चार्ज पार्टिकल एक दूसरे के नजदीक रखे जाएंगे तब क्या होगा? सेकेंड कंडीशन जो हमें बता रहे हैं वो क्या है, व्हेन टू डिफरेंट, या जिसे हम अपोजिट, बल्कि हम अपोजिट वर्ड यूज करने ज्यादा बेहतर रहेगा, व्हेन टू अपोजिट चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है, आर केप्ट
नहीं है, यानी इसमें क्या होगा, एक पॉजिटिव चार्ज होगी तो दूसरी कैसी होगी, निगेटिव हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये दो कंडीशन है चार्ज पार्टिकल को एक दूसरे के पास रखने का, ताकि वो इलेक्ट्रिक फोर्स एक दूसरे पर अप्लाई कर सके, ठीक है ना। चलिए तो देखते हैं अभी क्या होगा कि जब दो सिमिलर चार्ज पार्टिकल एक दूसरे के नजदीक रखे जाएंगे। हम अर्लियर क्लासेस में भी ये पढ़ चुके हैं, लेकिन जो कि ये एक इंट्रोडक्शन है इलेक्ट्रोस्टैटिक का, तो मैं आपको अभी बता रहा हूं। तो जब दो सिमिलर चार्ज पार्टिकल एक दूसरे के नजदीक रखे जाते हैं, ये दोनों एक दूसरे पर इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करेंगे, ऐसा चार्ज की डेफिनेशन कहती है। लेकिन इन दोनों के बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो कैसा होगा, अभी डिस्कशन का पॉइंट ये है। तो जब दो सिमिलर चार्ज पार्टिकल्स एक दूसरे के नजदीक रखे जाते हैं, तब उनके बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसे इलेक्ट्रिक फोर्स भी कहते हैं, वो कैसा होगा, वो रिपल्सिव होगा। कैसा होगा, रिपल्सिव होगा। दो सिमिलर चार्ज पार्टिकल्स एक दूसरे को हमेशा रिपेल करते हैं, ऐसा हम यहां पर देख रहे हैं, ठीक है ना। अब दूसरा केस लेके चलते हैं, अगर दो अपोजिट चार्ज पार्टिकल्स को एक दूसरे के साथ रखा जाए, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, दोनों चार्ज पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला फोर्स जो है वो कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा, ठीक है ना। ये दो पॉइंट आपको बहुत ध्यान से याद रखने हैं कि जब भी हम दो सिमिलर चार्ज पार्टिकल को एक दूसरे के पास रखते हैं, तो उनके बीच में लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा होता है, रिपल्सिव होता है। और अगर चार्ज पार्टिकल्स का नेचर अपोजिट है, मतलब एक पॉजिटिव है तो दूसरा निगेटिव, या ऐसा कह लीजिए पहला निगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव, ऐसी सिचुएशन में उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो कैसा होगा, वो अट्रैक्टिव होगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे पर अप्लाई करते हैं वो दो टाइप के हो गए, एक तो हो गया रिपल्सिव और एक हो गया अट्रैक्टिव, ठीक है। अभी मुद्दा इस बात का है कि इलेक्ट्रिक फोर्सेस होते क्या हैं। तो यही जो आपने यहां सीखा कि चार्ज पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं। देखिए जब आप किसी चीज को रिपेल करेंगे, रिपेल करने का मतलब होता है खुद से दूर भेजना, है ना, और अट्रैक्ट करने का मतलब अपनी तरफ खींच के लाना। इन अगर आपने 10th क्लास की फिजिक्स में फोर्स पढ़ा है या उसके पहले फोर्स पढ़ा है, तो आप जानते हैं कि जब किसी बॉडी को पुश या पुल करना होता है तो फोर्स लगाना होता है ना। तो अब यहां अगर ये रिपेल कर रहे हैं तो दैट मींस कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा, और ये अट्रैक्ट कर रहे हैं इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा ना। क्योंकि ये जो फोर्सेस दोनों पर लग रहे हैं, वो फोर्स लगा कौन रहा है, वो फोर्स लगा रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल्स, इसलिए इस फोर्स को क्या कहा गया, इलेक्ट्रिक फोर्स कहा गया। तो अगर आपसे इसकी कोई डेफिनेशन पूछे तो आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्सेस आर द फोर्सेस अप्लाइड बाय द चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है ना। ऐसी कोई बहुत बड़ी डेफिनेशन नहीं है, लेकिन हम यहां से थोड़ा आगे अगर चले तो कभी कभी एग्जाम में हमसे पूछा जाता है कि अगर हम किसी एक बड़ी मास बॉडी को ले लें, ठीक है ना, सपोज कीजिए हमारे पास एक बड़ा मास बॉडी है, उस मास बॉडी पर कितना चार्ज है ये आप कैसे निकालेंगे। मैं यहां पर आपको एग्जांपल देता हूं कि हमसे एग्जाम में क्या पूछ सकते हैं, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल होता है इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। सपोज कीजिए ये बहुत बड़ा एक चार्ज पे हमारे पास मास बॉडी है ना। आप सभी जानते हैं कि कोई भी मास बॉडी बहुत छोटे छोटे स्मॉल मास पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, जिसे हम एटम्स कहते हैं, बहुत छोटे छोटे, है ना। और एटम्स कभी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल भी हो सकते हैं और उन पर चार्ज भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में है या प्रोटॉन्स एक्सेस में है। इसका मतलब ये है कि कोई बॉडी जिसे हम मास बॉडी कहते हैं उसे वो चार्ज भी हो सकती है ना। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इस बॉडी का टोटल मास बताइए कितना होगा, तो आप क्या करेंगे, आप इस बॉडी के अंदर इंक्लूडेड सभी स्मॉल पार्टिकल्स के मास को ऐड कर देंगे। यानी जब आप कैपिटल एम निकालने जाएंगे तो जो जितने आपके पास मास पार्टिकल्स हैं, m1 plus m2 plus m3 plus m4 plus dash so on till mn, ये सभी के सभी मास पार्टिकल्स को आप एल्जेब्रिकली ऐड कर लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल मास मिल जाएगा। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूं कि चूंकि इन सभी चार्ज पार्टिकल्स पर कुछ ना कुछ, सॉरी मास पार्टिकल्स पर कुछ ना कुछ चार्ज होगा, तो आप मुझे ये बताइए कि इस पूरी बॉडी पर टोटल चार्ज कितना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इस चीज को हमने यहां पर समझाया है, उसका नाम दिया गया, ठीक है, एडिटिव नेचर, जिसे हम ऐड करते हैं। तो मैं आपको यहां पर उसकी जो डेफिनेशन है वो लिख करके दिखाता हूं कि एडिटिव नेचर क्या होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास यहां पर एक डेफिनेशन है, एडिटिव नेचर ऑफ चार्जेस। जैसे अभी हमने सीखा कि अगर मुझे इस मास बॉडी का टोटल मास निकालना है तो मुझे सभी स्मॉल पार्टिकल्स के मास को एल्जेब्रिकली ऐड करना होगा। सिमिलरली अभी मैंने आपसे कहा कि अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पूरी मास बॉडी का टोटल चार्ज कितना है तो निकाल ले, तो आप कैसे निकालेंगे, तो उसको हमने यहां पर सीखा एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज से। अभी डेफिनेशन क्या है इसकी, द टोटल चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज
इक्वल, मैं टोटल चार्ज की बात कर रहा हूं, लेट इट बी कैपिटल क्यू, मान लेते हैं कि वो कैपिटल क्यू है, ठीक है ना। तो वो जो टोटल चार्ज है किसी भी ऑब्जेक्ट पर वो किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। कोई चार्ज यहां पर है, कोई यहां पर है, कोई इधर है, कोई इधर है, कोई कहीं पर है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि भैया इन सारे के सारे चार्ज पार्टिकल्स के कारण इस पूरी बॉडी पर जो चार्ज आया है वो कैसे कैलकुलेट होगा, तो आप क्या कहेंगे उसके लिए? तो आप उसके लिए एडिटिव नेचर को इस्तेमाल करेंगे। किसको? एडिटिव नेचर को। एडिटिव नेचर कहता है कि अगर किसी एक बड़े चार्ज बॉडी के ऊपर टोटल चार्ज आपको निकालना है, यानी क्यू अगर आपको निकालना है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे कि उसके अंदर जितने भी स्मॉल पार्टिकल्स हैं, मास पार्टिकल्स हैं, जिन पर कुछ ना कुछ चार्ज है, तो उन सभी चार्जेस का आप एल्जेब्रिक सम कर लेंगे। तो Q is equal to Q1 plus Q2 plus Q3 plus Q4 and dash 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 to the Qn। ये लीजिए, अब ये आ गया हमारे पास एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, ठीक है ना। यानी इस तरीके से हम किसी भी बॉडी के ऊपर टोटल चार्ज कितना है वो निकाल सकते हैं। बट एक प्रॉब्लम है, एंड द प्रॉब्लम इज कि अगर मैं ये कहूं कि मुझे यही नहीं पता कि एक हैवियर मास बॉडी में कितने चार्ज पार्टिकल्स हैं, इसको तो हम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। कितने एटम्स हैं हम गिन सकते हैं क्या? सपोज कीजिए मैंने आपको ये मार्कर दे दिया, मैंने कहा बताओ इसमें टोटल चार्ज कितना है। अब आपको पता ही नहीं कि इसमें टोटल कितने एटम्स हैं, तो आप फिर इस डेफिनेशन को कैसे इस्तेमाल करोगे, कैसे आप इसके हेल्प से टोटल चार्ज बॉडी का निकाल पाओगे? तो इस समस्या को दूर करने के लिए हमारे पास एक और चीज आई जिसका नाम है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में भी हम किसी बॉडी के ऊपर टोटल कितना चार्ज है ये हम निकाल सकते हैं। उसका सिंपल सा एक फॉर्मूला हमारे सामने है, और वो फॉर्मूला क्या है मैं आपको लिख दिखाता हूं पहले, उसके बाद हम उसकी डेफिनेशन लिखाएंगे आपको। तो फिलहाल फॉर्मूला क्या है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हम क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस Ne, ये फॉर्मूला बहुत कॉमन है, हम पहले भी यूज कई बार कर चुके हैं 11th क्लास में। इस वाले फॉर्मूले से हम किसी बॉडी के ऊपर टोटल कितना चार्ज है उसको निकालना है। क्वांटाइजेशन को अगर मैं इलैबोरेट करूं तो किसी चार्ज की क्वांटिटी आपको निकालनी है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मींस क्वांटिटी ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हमको यही सीखना है। तो ये एडिटिव नेचर अगर आपको समझ में आ गया हो तो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखिए इन दोनों से होता सेम चीज है, किसी बॉडी का टोटल चार्ज ही निकलता है, लेकिन चूंकि ये तरीका बहुत लेंदी है, अगर मान लीजिए उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो क्या हम सभी को ऐसे एल्जेब्रिकली ऐड करेंगे? हो सकता है टाइम ज्यादा कंज्यूम करे, इससे बेहतर है कि हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यहां पर आपको समझा दें। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में भी क्या होता है कि हमको टोटल चार्ज निकालने की एक फॉर्मूला यहां से मिल जाता है, और वो काफी इजी हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। तो मैं आपको यहां पर की डेफिनेशन लिख के दिखाता हूं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की डेफिनेशन यहां पर है। अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ऑल ऑब्जर्वेबल, जितना जो चार्ज हम ऑब्जर्व कर सकते हैं ना, ऑल ऑब्जर्वेबल चार्जेस आर ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। एलिमेंट्री चार्ज का मतलब यहां ई से होता है, ठीक है ना। अगर इस चीज को मैं मैथमेटिकल फॉर्म में लिखूं तो Q इज इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मूला Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। यहां पर n जो होता है वो नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल्स होता है, ठीक है ना। तो अगर आपको टोटल चार्ज किसी बॉडी के ऊपर निकालना है तो आप इससे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो टोटल चार्ज, यहाँ चार्ज की बात हो रही है, तो चार्ज का जो अगर आप मेजरमेंट करते हैं तो मान लीजिए इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 10 आ गया, लेकिन अब इसके पीछे की यूनिट कहाँ है, चार्ज की यूनिट क्या लिखेंगे आप? तो किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज की जो SI यूनिट है, ठीक है, चार्ज की SI यूनिट वो क्या है, वो कूलम है, ठीक है, क्या है, कूलम। तो किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज की SI यूनिट क्या है हमारे पास, कूलम। तो अगर आप इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हैं, सपोज कीजिए इस्तेमाल करने के बाद इसका मैग्नीट्यूड आया 10, तो आप क्या लिखेंगे, 10C, सी शॉर्ट फॉर्म है किसका, कूलम का। तो किसी बॉडी के ऊपर कितना चार्ज है ये कैलकुलेट करने के दो डिफरेंट वेज हमारे पास आ गए, पहला एडिटिव नेचर आ गया, दूसरा क्या आ गया, क्वांटाइजेशन आ गया, ठीक है ना। तो अभी क्या करते हैं हम लोग, एक बहुत जल्दी से एक टॉपिक ले लेते हैं, और टॉपिक का नाम है कि अगर सपोज करिए कि आपको ये भी पता है कि किसी बॉडी पर टोटल चार्ज कितना है, जो कैसे निकालेंगे आप, वो आप क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से निकाल लेंगे, है ना, या एडिटिव नेचर से निकाल लेंगे। मान लीजिए कि आपके पास दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, एक प्लस है, यानी सपोज कीजिए Q1 है, सॉरी, और दूसरा क्या है आपके पास Q2।
ये दोनों चार्ज पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत स्मॉल डिस्टेंस r पर रखे हुए हैं, ठीक है ना, एक दूसरे से बहुत स्मॉल डिस्टेंस r पर रखे गए हैं। तो क्या होगा कि अब मैं आपसे अगर कहूं कि भैया इन दोनों के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स कितना है वो कैलकुलेट करके बताइए, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या तरीका होगा इसके कैलकुलेशन का? भाई दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, चाहे डिफरेंट नेचर के हो चाहे सेम नेचर के हो, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स तो अप्लाई करेंगे ना, तो इलेक्ट्रिक फोर्स अगर ये अप्लाई करेंगे तो उस फोर्स को कैलकुलेट तो करोगे ना। जैसे हमने अर्ली क्लासेस में सुना कि ये लगने वाला जो फोर्स होता है वो m into a भी होता है ना, w is equals to f into s से भी हम फोर्स निकाल लेते हैं, हर जगह पर हम फोर्स को कैलकुलेट करते हैं। तो इन दोनों चार्ज पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला फोर्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि बिना फोर्स कैलकुलेट किए हमें ये कैसे पता होगा कि वो किस फोर्स से रिपेल या किस फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये इनके बीच में लगने वाला फोर्स कैसे कैलकुलेट होता है, उसके क्या फॉर्मूले हैं, उसकी क्या यूनिट्स होती हैं, क्या स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में कैसे आते हैं, इन सबको हम अगले लेक्चर में कल डिस्कस करेंगे जब हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी। तो अभी आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। आप लोग क्लास 12 की रेगुलर वीडियोस के साथ जुड़े रहने के लिए हमारा ये जो यूट्यूब चैनल है, ठीक है ना, इसको सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक भी करें, और अपना कमेंट जो भी है, जो भी आपके डाउट्स हैं वो कमेंट करके हमको जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।